पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को भारत के सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों की गोपनीय जानकारी देने वाले लिपिक को गिरफ्तार किया गया। वह मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत है। उसकी पहचान मुंगेर जिला के ईस्ट जमालपुर थाना के नया गांव विषहरी के रवि चौरसिया के रूप में की गई है। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया। इसमें व्हाट्सएप और ईमेल खंगालने पर पुलिस को उसकी करतूतों का पता लगा। उसने कई गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को भेजे थे। इसकी पुष्टि एसएसपी जयंतकांत ने की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय जांच टीम से गोपनीय सूचना मिली थी कि लिपिक रवि भारत के सरकारी दफ्तरों से जुड़ी खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा है। इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। उसे रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि अन्य जांच एजेंसी टीम को भी इसे अवगत कराया जा रहा है। जो भी जानकारी पूछताछ में सामने आई है उसे जांच एजेंसी से साझा किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। उसके मोबाइल को जब्त किया गया है और भी अधिक जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह पहले भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई में लिपिक के पद पर कार्यरत था। यहां तोप और टैंक समेत अन्य रक्षा उपकरण बनता है। उस समय फेसबुक के जरिए उसकी पहचान सानवी शर्मा से पहचान हुई। उसने उसे हनी ट्रैप किया, फिर पैसे का लालच देकर उससे कई सारी खुफिया जानकारी व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ली। बदले में उसके खाते में मोटी रकम भी भेजती रही। वह महिला आईएसआई एजेंट सह हैंडलर थी। पुलिस की माने तो आरोपी को इसका पता लग चुका था, बावजूद इसके वह पैसे के लालच में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता रहा। एसएसपी ने कहा कि उसके एसबीआई खाते का पूरा डिटेल खंगाला जा रहा है, इसे फ्रीज किया जाएगा। उसके खिलाफ कटरा थाने में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उसके मोबाइल के गैलरी में अभी भी कई ऐसे गोपनीय तस्वीर और दस्तावेज हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाड़ी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था, एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। सर, अब तक कितना पैसा सर ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरी एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई करेंगे।